हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आहाना। मैं आहाना फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी इस मॉनसून सीज़न में लोनावला आई हुई हूँ, और आपने लास्ट ब्लॉग में खंडाला के कुछ जगह पे मैंने आपको घुमाया था। तो आज मैंने सोचा है, बारिश बहुत अच्छी होने लगी है और इस वेदर में बारिश में घूमना बहुत सही होता है महाराष्ट्र में। तो आज मैं आपको लोनावला के कुछ टूरिस्ट फेमस प्लेस पर ले जाने वाली हूँ। चलते हैं। ये मैं आ गई बुशी डैम के रास्ते में। यहाँ से लेकर के बुशी डैम तक आपको पैदल चलना होता है, क्योंकि बरसात का पानी पूरे गड्ढे में भरा होता है। इसलिए आपको यहाँ पे रेंट में बरसात के चप्पल आसानी से मिल जाएंगे, और आप अपने वहाँ पे शूज़ और सैंडल्स रख करके आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पानी में मीन्स खेल रहे थे, बट मुझे इस पानी से दूर रहना ही सही लगा और मैं बहुत बचते बचाते निकल पड़ी आगे की ओर। ये देखो, मैं यहाँ से बच करके तो निकल गई थी, लेकिन आगे बहुत चलना था मुझे। वो वहाँ दूर तक अभी और पैदल चलना है, और मुझे बारिश के पानी से अभी बच के रहना है, क्योंकि अगर मैं अभी भीग जाऊँगी तो बाकी सारे पॉइंट्स में कैसे जा पाऊँगी। वैसे मैं जब निकल रही थी ना यहाँ के लिए, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे आपने देखा भी होगा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ आते आते बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी थी, बादल जा चुके थे और पूरा ही ग्रीनरी था यहाँ पर। तो फिर मैं आराम से निकल सकी और बाकी जगह भी जा सकी। आगे देखिएगा ब्लॉग में मैं कहाँ कहाँ गई थी। देख सकते हैं डैम का पानी किस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है, पर इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती होगी तो कितना खूबसूरत व्यू होता होगा, पूरा पानी ही पानी होता होगा। वैसे ऊपर में थोड़ा अच्छे से स्पीड से पानी निकल रहा है, तो हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ का व्यू। ज़्यादा क्राउड है, आप यहाँ के व्यू देख सकते हैं, बहुत प्रिटी है। ये इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया, आज बारिश नहीं हुई है तो ऐसी हालत है, सोचो जिस दिन बारिश होगी उस दिन क्या हालत होने वाली है। और यहाँ पे आने के लिए आपको, अगर आप शूज़ पहन के आ रहे हो तो प्लीज़ मत पहन के आ रहे, क्योंकि यहाँ पे शूज़ नहीं चलते। आप स्लिपरी एरिया है, तो आपको बाहर में स्लीपर्स मिल जाएंगे, बैग्स रखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यू दिखा सके, लेकिन इतना भीड़ है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और काश बारिश हो जाती। और ये देखो व्यू देखो पहले आप इधर। यहाँ मैं सबसे ऊपर वाले स्टेयर पे पहुँच गई थी, और वहाँ से व्यू देखो, वाओ। और ये है वो बुशी डैम जिसका पानी नीचे बह रहा है। और ये है वो डैम जो बहुत ही फेमस है
दूसरे साइड सिंह पे जाने के लिए मैं यहाँ से जल्दी निकल गई थी। वैसे मैं यहाँ गिरते गिरते बची थी, वरना मैं भीग जाती। मुझे मन कर रहा था इन बच्चों के साथ खेल लूँ, नहीं लेकिन लेट हो रहा था तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा। वहाँ से निकल के मुझे क्या दिखा, तंदूर चाय, तो मैं इसे पीने के लिए रुक गई। और आ गई मेरी ये तंदूर चाय। वैसे मुझे चाय की आदत बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ का वेदर इतना ठंडा है कि मैं पी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगानी है, तो इसे पी करके मैं आगे बढ़ती हूँ। पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो व्यू है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बताती हूँ वैसे मैं कहाँ आई हूँ, ये है लायंस पॉइंट। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वैसे इस नेट के बाउंड्री के कारण यहाँ से व्यू उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा आगे दूर जा कर के आपको व्यू दिखाना सही समझा। बस थोड़ा सा देख लो, ये देखो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। रुक जाओ मैं आपको अभी दिखाऊँगी, वेट। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, आप देखते ही होंगे। अभी मैं निकल पड़ी आपको दूसरी ओर से उसी व्यू को दिखाने के लिए। चलो दिखाती हूँ वो कैसा व्यू है। मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ जहाँ से आप बिना नेट बाउंड्रीज़ के आराम से उस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मैं काउंट डाउन करूँगी और आप उस व्यू का एंजॉय करो। तो है 1, 2 and 3। का सबसे बड़ा अट्रैक्शन लायंस पॉइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा व्यू मिल रहा है कि मेरे पास अब कोई वर्ड नहीं बचा है। और आप ज़्यादातर देखते होंगे यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट करा रहे हैं या तो फिर रील्स बना रहे हैं। वैसे मैंने भी रील्स बना लिया है, और देखते ही होंगे आप कि मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, बाल खोल लिए हैं। वैसे अगर आपको बोल रही मैं अपने बालों में उलझी हुई हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन जिसके बाल लंबे हैं ना वो समझते हैं कि इन हवाओं से क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों का। खैर हाँ, अगर आपको मेरे वो रील्स देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो। और मेरी मम्मा ये देख करके ना, ये जो पीछे व्यू है ना वो देख करके ऐसे डांटने वाली हैं मुझे इस ब्लॉग में, ब्लॉग की वजह से, लेकिन चलता है आप लोगों के लिए ये भी कर लेंगे। और हाँ प्लीज़ अगर लोनावला आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर 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 आइए, इससे अच्छा व्यू कहीं नहीं मिलेगा लोनावला में, तो प्लीज़। और वैसे इससे पहले लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तो यहाँ पे तो नहीं पर आगे जो मैंने दिखाया ना वहाँ पे बाउंड्रीज़ बना दिए गए, बट उससे पहले नहीं थे वहाँ पे बाउंड्री, मे बी सेफ्टी के लिए, जो कि अच्छी बात है, बना दिया है, इसलिए मैंने इस साइड आ गई। यहाँ थोड़ा कम डीप है और यहाँ से व्यू अच्छे दिख रहे हैं आप सबको, तो आप सबके लिए ये भी। वहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और मैं यहाँ से
डर डर के चुप चुप के निकल रही थी, उतर रही थी। बहुत डर लगा था मुझे, लग रहा था मैं गिर जाऊंगी पीछे से, लेकिन बच गई। यहाँ बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए थे, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, और मुझे भी ये बहुत ही सही पिकनिक स्पॉट लगा। आपको भी लगा होगा राइट, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही यहाँ आई हूँ, क्योंकि आप ही मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हो, तो आप लोग को ये जगह तो दिखाना बनता है राइट। और हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारे शूटिंग चालू थी, कुछ लोग शॉर्ट फिल्म्स के शूट कर रहे थे, कोई म्यूज़िक वीडियो बना रहा था, तो ये बहुत सही जगह है। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है कि मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो आराम से आप मैगी खा सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी कर सकते हो। ये देखो, ये तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे। खैर छोड़ो, आप इस व्यू का आराम से एंजॉय करो। लायंस पॉइंट का व्यू इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि मैंने सनसेट वहीं देखा, और फिर वहां से निकलते निकलते मुझे लेट हो गया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इस वीडियो का मैं यहीं पे दी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लायंस पॉइंट से आते आते बहुत लेट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, और क्योंकि अंधेरा इस वजह से आपको ये मेरे पीछे का दिखता नहीं होगा। ये है लोनावला लेक, ये भी बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अंधेरे के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत दिखता ही होगा। तो फिर अभी मैं आपको बाय बाय कहने वाली हूँ। वैसे अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस में। बाय बाय।